भारत माता की। मेरे साथ आप एक नारा बुलवाइए, आज की लो नरेंद्र मोदी और क्या है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अब आगे मैं एक और कह रहा हूं, मैं कहूंगा जय विज्ञान, आप कहेंगे जय अनुसंधान। जय विज्ञान जय विज्ञान जय विज्ञान जय जवान जय जवान जय विज्ञान जय विज्ञान जय विज्ञान। सूर्योदय की वेला हो और बेंगलुरु का ये नजारा हो, देश के वैज्ञानिक देश को जब इतनी बड़ी सौगात देते हैं, इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो जो दृश्य मुझे आज बेंगलुरु में दिख रहा है वही मुझे ग्रीस में भी दिखाई दिया, जोहान्सबर्ग में भी दिखाई दिया, दुनिया के हर कोने में न सिर्फ भारतीय विज्ञान में विश्वास करने वाले, भविष्य को देखने वाले, मानवता को समर्पित सब लोग इतने ही उमंग और उत्साह से भरे हुए हैं। आप सुबह सुबह इतना जल्दी आए, मेरा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं यहां से दूर विदेश में था, तो मैंने तय किया कि भारत जाऊंगा तो पहले बेंगलुरु जाऊंगा। सबसे पहले उन वैज्ञानिकों को नमन करूंगा। अब इतनी दूर से आना था तो कब पहुंचेंगे, 5-50 मिनट इधर उधर हो जाता है, तो मैं यहां आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उपमुख्यमंत्री जी, गवर्नर साहब, उन सबको रिक्वेस्ट किया था कि आप इतना जल्दी जल्दी कष्ट मत उठाइए, मैं तो वैज्ञानिकों को प्रणाम करके चला जाऊंगा, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी। लेकिन मैं जब विधिवत रूप से कर्नाटक आऊंगा जरूर मुख्यमंत्री जी, उपमुख्यमंत्री जी प्रोटोकॉल जरूर निभाए, लेकिन उन्होंने सहयोग किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये समय मुझे यहां उद्बोधन का नहीं है, क्योंकि मेरा मन
उन वैज्ञानिकों के पास पहुंचने के लिए बहुत उत्सुक है। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि बेंगलुरु के नागरिकों ने अभी भी उस पल को उमंग और उत्साह से जी करके दिखा रहे हैं। इतने सुबह जो मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चे भी मुझे नजर आ रहे हैं। ये भारत का भविष्य है।